नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि ठंडी बढ़ चुकी है, ठंडी बढ़ने के साथ साथ आप ध्यान से देखिए, हमारे पौधों में फूल जो है आ चुके हैं, खूब बढ़िया फूल आए हुए हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो फ्लावर हैं वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, ठंडी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपको बताऊं, मैंने पिछले साल इस पे इस्तेमाल किया था, ये देखिए आप, ये है देसी दारू। तो इसको डालने के बाद में मैं आज डाल रहा हूं, और आज तारीख है 5 तारीख को मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वीडियो, और 5 तारीख के बाद में लगभग 4 दिन बाद अभी इसको दवा डालूंगा। दवा डालने के बाद में 4 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है स्थिति ये है, आप दिखाइए पूरा, ये स्थिति है। आप थोड़ा सा बढ़ के दिखाइए, आगे दिखाइए, ये देखिए ये स्थिति है। अभी आपको मैं ले चलता हूं, इसको भी डालता हूं, इसकी तैयारी करके उसके बाद डालता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि 5-4 दिन बाद ये इसका असर क्या आता है। किसान भाइयों, आज है 10 तारीख, 10 दिसंबर, 5 दिन हो चुके हैं मेरे को दारू का छिड़काव किए हुए, और आपको अभी मैं दिखाऊं कि हमारा फर्क क्या आया है। जैसे कि इसी पौधे को मैंने आपको टाई अप किया था, और देखिए इन पौधों में, ये देखिए पक चुके हैं, ये फल देखिए, ये पक चुके हैं, जो फल बिल्कुल छोटे छोटे से थे, ये देखिए पौधे, ये फल आ चुके हैं। और आप देखिए कि चमक जो हरी वाली है, हरे जो इसमें है, इसमें बढ़िया चमक आ चुकी है। और इसलिए अगर अब जैसे कि आप जानते हैं किसान भाइयों कि इसमें हम जो है जब दारू का छिड़काव करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो पौधे का विकास होता है वो भी बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ जो फ्लावर होते हैं वो सेटिंग अच्छी हो जाती है। और फ्लावर में देखिए कि अभी जो पहले यहाँ पे मर रहे थे, अब देखिए बिल्कुल बढ़िया जो है इसमें सेट हो रहे हैं, ये देखिए सेट हो रहे हैं। थोड़ा नजदीक से दिखाइए बेटा, ये दिखाइए, ये सेट हो रहे हैं, ये पूरा जो है सेट होता चला जा रहा है। नहीं तो क्या होता था, यहीं से पीला पड़ जाता था, पीला पड़ करके गिर जा रहा था। तो अभी लगभग पूरे खेत की हालत यह है कि कहीं एक दो फूल जो दिखा हो हमको कि अभी गिर रहा है, अदरवाइज बिल्कुल बढ़िया सेटिंग हो गई है, फ्रूट सेटिंग। और लगभग लगभग आप 10 से 12 दिन बाद एक शॉर्ट वीडियो में और डालूंगा, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि फल अभी क्या कंडीशन पे है। और बहरहाल पूरा आप देख सकते हैं, आप दिखाइए इधर, ये दिखाइए पौधा, यहाँ पे इधर दिखाइए, ये पौधा देखिए अभी कितना फर्क आया, इनको दिखाइए थोड़ा सा, सब पौधे दिखाइए पूरा, ये दिखाइए इधर, इधर देखिए, इस पौधे में लगभग 3 से 4 किलो एक पौधे में टमाटर है। अगर यहां तक आप देखेंगे जो कि अभी छोटे छोटे हैं, जब ये आएंगे थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएंगे फल, ये बड़े हो जाएंगे, तो समथिंग अबाउट 8 किलो तक का टमाटर इसमें आएगा। ये मिनिमम आपको पैदाइश है, अगर आप जिस हिसाब से फर्टिगेशन हुआ है, जिस हिसाब से इसकी हम रख रखाव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक पेड़ में हमारे हिसाब से 15 से 20 केजी तक आना चाहिए। और ये फसल लगी हुई है अगस्त लास्ट में, मतलब सितंबर 1 तारीख तक हमने इसमें पौधे क्या वो किया था, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर 2 महीने छोड़ करके अभी कंडीशन ये पहुंची हुई है। तो इसमें फर्टिगेशन जो किया था किसान भाई, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब फसल फिर लगानी है, टमाटर का समय हो चुका है, अगर आप इस समय पौध को रोपना चाहते हैं, जो नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, नर्सरी तैयार कीजिए और इसकी प्लांटिंग करिए अगले महीने में, फरवरी फर्स्ट में या जनवरी लास्ट में करिए, फिर आपको ये जून जुलाई तक जाएगा।
लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यही मेरा पौधा है, मैं इसको जून जुलाई तक कैसे लेके जाता हूँ। किसान भाइयों, ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक बार लगा करके आप सितंबर में और जुलाई तक लेके जाइए, जून जुलाई तक लेके जाइए, जून जुलाई तक आपको बहुत बढ़िया इसमें ऐसे ही फल मिलता रहेगा और दिखाऊंगा कैसे मिलता है। और आप देखिए ध्यान से कि ये देखिए नीचे से जो हमारी ये आ रही है, कोपने आ रही हैं, जैसे ये थोड़ी बड़ी होंगी मैं इनको काटता रहूंगा, इनको काट दूंगा, काटने के बाद में फिर नीचे से इसमें चार पांच कलियां निकल जाएंगी और जैसे ऊपर का हमारा पौधा टमाटर पूरा हो जाता है इसको काट दूंगा यहां से और वो नीचे से फिर मैं बांधना शुरू कर दूंगा। तो दोबारा हमको पौधा लगाने की जरूरत नहीं होती है, फर्टिगेशन जो आपने किया है लगभग 6 महीने तक आपका चल जाता है। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर कोई बात मैंने हो सकता है कि मेरे मुंह से गलत निकली हो तो आप मेरे को कहिए, उसको मैं सुधारूंगा अपनी वाणी को भी और जो मैंने किया है उसको भी। लेकिन ये है कि दारू का अगर आप छिड़काव करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है और मैंने अपने खेत में करके देखा है और इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है कि इसका फर्क क्या मिला है। मतलब हमको कोई रासायनिक दवा नहीं डालने की जरूरत है, लोग रासायनिक दवा डालते हैं इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, तो साइज मत बढ़ाइए मेरे भाई, जो इसकी साइज नेचुरल है उसको रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप जहर खिलाना शुरू कर देंगे तो पाप के भागीदार भी आप ही होंगे। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।